मैडम जी आप आज SDM बन गई हैं तो उसके बाद में आपने आवाज़ उठाई, ये गलत है। लेकिन मनीष दुबे तो अभी आज का न्यूज है कि ये सस्पेंड हो गए हैं, बिल्कुल अपनी पत्नी को पढ़ने से वंचित कर रहे हैं, उन पतियों को क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं बिल्कुल अपनी अपनी पत्नियों को पढ़ाएं, उनका अधिकार है। और उस महिला ने उस तरह से कार्य किया जो कि समाज में गलत संदेश जा रहा है, पूरा डरे हुए हैं और अपनी पत्नी को पढ़ाई से वंचित करना चाह रहे हैं, बहुत ये खबर भी चल रहा है अभी, तो इसमें क्या मत है आपका? हर पत्नी ऐसा नहीं होती है। ट्रेंडिंग में चल रहा है ज्योति मौर्या और आलोक मौर्या का केस, तो हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आज हमारे साथ हैं राजा सोनी जी, उनसे चर्चा करेंगे उनके संबंध में। तो स्वागत है राजा सोनी जी आपका हमारे चैनल में। नमस्कार सरोज जी। जी आपने ज़रूर सुना होगा ज्योति मौर्या और आलोक मौर्या का केस, तो आपको क्या लगता है गलती किसको मानते हैं आप? देखिए पहले तो इस विषय को आज के जो युवा हैं और आज के जो युवती महिलाएं, जो विवाहित महिलाएं हैं, उनको समझना ज़रूरी है। शादी एक अटूट संबंध, मतलब शादी एक बहुत अच्छा रिश्ता है, संबंध है जो दो लोगों के बीच की बात है, ठीक है। और अक्सर शादी के बाद क्या है कि मैं भी विवाहित हूँ और कुछ डिसीजन ऐसे होता है लाइफ में जो पति पत्नी दोनों को लेना पड़ता है। ये आज की जो मीडिया है, मैं मीडिया को भटकते हुए देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चला रहा है, बड़े बड़े न्यूज़ चला रहे हैं, रील्स बन रहे हैं, म्यूजिक बन रहे हैं और गाने बन रहे हैं, चालीसा तक बने हैं यहाँ तक कि। देखिए ट्रेंडिंग आज के टाइम पे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब वगैरह में जो रील्स चल रही हैं, ये रील उसको ट्रेंड दे रही है। और मेरे ख्याल से ये इसे ट्रेंड करने की ज़रूरत नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। और रही बात ये आप जो बता रही हैं SDM महोदया के बारे में, तो रांची में भी एक घटना हुई अभी हाल ही में, झारखंड में एक नर्स है महिला, मेरे ख्याल में नाम उनका ध्यान में है मगर अभी ख्याल में नहीं है शायद, वो भी वही सेम केस है। मेरा मामला ज़्यादा उजागर हुआ नहीं? देखिए मामला तो उजागर होगा, सोशल मीडिया आज के टाइम में एक्टिव है, लोग चर्चा करेंगे। विषय ये है कि उन्होंने वो उनके क्या नाम है, आलोक मौर्या है ना, आलोक मौर्या ने दावा किया कि हमने उन्हें अपनी श्रीमती को पढ़ाया लिखाया, SDM बनाया। स्वाभाविक है वो दोनों के बीच की बात होगी। आज ये 8 साल 9 साल के बाद ये जो बात, अगर 13 साल हो गए इस मामले को, तो इतनी लंबी शादी के बाद अगर उन्होंने कुछ ना कुछ किया है तो मुझे आलोक मौर्या के ऊपर भी शक है, क्योंकि भाई अगर श्रीमती आपकी आपके पक्ष में नहीं थी तो आपकी शादी तो पहले ही टूट जानी थी। और मैं आपको मेरे ख्याल से, मेरे अनुभव के हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी शादी के भी 3 साल तकरीबन हो गया, 3 साल में हमारे बीच में बहुत अच्छा संबंध है, मगर आज हम अगर उनको किसी स्किल को लेके मुझे अप्रोच करना रहेगा तो मैं बिल्कुल करूँगा। मगर क्या है कि एक भारत देश में हर किसी को पढ़ने का अधिकार है। आज मीडिया महिलाओं को आज ट्रेंड करके लोग अपनी, आप बहुत सारे केस देखे होंगे और खान सर ने बताया, उनका YouTube में एक वीडियो है, उन्होंने बोला कि 60 विवाहित महिलाओं के पतियों ने अपनी अपनी पत्नियों को अपने घर वापस बुला लिया एक केस के चक्कर में ना, बिल्कुल। आज उनको, आज फिर से महिलाएं को आप अधिकार से वंचित कर रहे हैं, ये बड़ा सरासर गलत है। मैं मीडिया के खिलाफ में हूँ, मीडिया के विचार से मैं बहुत दुखी हूँ। तो आपके कहने का मतलब ज्योति सही की, देखिए सही नहीं, मेरा कहने का मतलब आपको शादी समझना पड़ेगा, शादी दो लोगों के बीच की एक संबंध है जो उसको निभाने की बात है। अगर उन दोनों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट थी तो सवाई को पहले ही होनी चाहिए। अगर एक ने अगर SDM बन गया, दूसरा चपरासी है, तो मुझे उनको आलोक मौर्या को कहना है, आलोक मौर्या को कोशिश करना चाहिए कि वो भी क्रैक करे भाई, सिविल सर्विस वो भी क्रैक कर सकते हैं। जब वो अपनी पत्नी को पढ़ा सकते हैं, पढ़ा लिखा सकते हैं, अपनी पत्नी को SDM बना सकते, तो वो क्यों नहीं बन सकते? वो भी मेहनत करते तो भी बन जाते हैं, बिल्कुल। हाँ रही बात इसमें कि ज्योति मौर्या SDM बन गई, उनके बाद दोनों के बीच में कुछ मतलब शारीरिक संबंध के बारे में चर्चा हुई और किसी के अफेयर के बारे में चर्चा हुई, दूसरे साथ अफेयर, मनीष दुबे नाम के एक शख्स। तो देखिए ये शादी एक सामाजिक शादी है, मौर्य समाज से जितने भी उनके परिवार के लोग, उनको सामने आना चाहिए, उनको इस दो लोगों की डिस्प्यूट को उनको ख़त्म करना चाहिए, मेरे तरफ से यही विचार है। और रही बात ट्रेंडिंग की,
तो भारत में इतनी बड़ी जनसंख्या में लगातार हमेशा कुछ ना कुछ इस तरह का केस होता है। मैं कुनकुरी की भी थी 3-4 साल पहले कि, और ख़ास करके हम जसपुर जिला बैकवर्ड क्लास से हैं, कौन किसकी पत्नी को लेके भाग जा रहा है, किसका पति किसके साथ भाग जा रहा है, ये तो कभी ट्रेंड नहीं हुआ। आज हम आदिवासी जिले में, हम पहले आदिवासियों की बात करते हैं, आपने उनको कब कितना कवर किया, मैं पूछना चाहता मीडिया से। आज किसी शिक्षित आदिवासी महिला भागती है किसी दूसरे पुरुष के साथ, तो आपने उसको क्यों नहीं दिखाया? आपने उस ट्रेंड को फॉलो किया है जो लोग रील में देख रहे हैं, रील में आने का जरूरत ही नहीं है। क्या बड़ा, कौन बहुत से बड़ा बात है, भारत देश में कितने हज़ारों केस हो रहे हैं, ये सामाजिक बात है, ये समाज के बीच में रहनी चाहिए थे, ये लोगों के बीच में चर्चा का विषय नहीं मानता हूँ, ये सरासर गलत है। और कुछ सवाल है जो हमेशा उछल रहे हैं, ज्योति मौर्या का ही, ज्योति मौर्या एसडीएम बन जाती है ना? बिल्कुल ना, तो सफाई कर्मी से स्टेटस मैच नहीं कर रहा था, इसी लिए तलाक चाह रही थी और अपने स्टेटस के लायक एक जिला कमांडेंट मनीष दुबे को ढूंढ ली थी, पर अपने पति से तलाक चाह रही थी, इसके संबंध में क्या कहना? देखिए, एक महिला का चुनाव है, अगर ज्योति मौर्या ने ये कहा कि मैं इस अपने अपने हस्बैंड के साथ, अपने पति के साथ नहीं रह सकती हूँ, तो ये सरासर एक दिन की बात नहीं, बहुत लंबे समय की बात है। शायद उनको, आलोक मौर्या को पता होगा कि उनकी पत्नी, उनको विश्वास होगा कि वो एसडीएम बन जाएगी तो मुझे लाभ होगा। और आलोक मौर्या की रही बात, तो आलोक मौर्या इससे पहले भी तो आवाज़ उठा सकते थे, जब उनकी पत्नी के बाद, जब उनको, जब वो एसडीएम नहीं बनी थी, तो ये पहले, उससे पहले की बात है कि जब, ऐसा कहना है मीडिया में, ऐसी बात आ रही है कि जब एसडीएम बनी तब से उनका उनका संबंध खराब होना चालू हो गया। बिल्कुल, आप जो बोल रहे हैं मैं सही ठहरा रहा हूँ, मगर मेरी बात ये है कि उन आलोक मौर्या ने कहा कि मेरी पत्नी के अवैध संबंध थे, तो स्वाभाविक है उससे पहले ख़त्म कर लेना चाहिए था, जब आपको जानकारी थी। आप अगर आज मौर्य क्या बोलते हैं एसडीएम मैडम जी आप आज एसडीएम बन गई हैं, तो उसके बाद नहीं आपने आवाज़ उठाई, गलत है। और मैं दोनों के परिवार वालों से आग्रह करता हूँ, नहीं, जब से एसडीएम बनी तब से अनबन चालू हुआ, ऐसा सुनने में आ रहा है। बिल्कुल, वो क्या है कि दो लोगों के बीच में एक स्टेटस को पाने की लड़ाई चल रही है। आलोक मौर्या चाहते हैं कि उनकी धर्मपत्नी उनके साथ रहे और उनके स्टेटस का वो भी उपयोग करे, मुझे यहाँ तक ऐसा नज़र आता है। अच्छा, आलोक मौर्या के बयान के अनुसार ज्योति मौर्या और मनीष दुबे मिलकर जान से मारने की साजिश की जा रही है, इसमें कितना सच्चाई लगता है? ये सरासर मैं इसको खंडन करना चाहता हूँ, ये बेतुकी बात है। और इसके मीडिया अपने अपने हिसाब से, अक्सर आप यूपी बिहार के जो भी यूट्यूबर और चैनल चलाने वाले लोग, छोटे जो भी चैनल चलाते हैं, बड़े बड़े चैनल हैं और स्थानीय चैनल हैं, वो सब इसको ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और सिर्फ और सिर्फ ये बकवास है, मैं इसको खंडन करता हूँ। लेकिन मनीष दुबे तो अभी आज का न्यूज है कि ये सस्पेंड हो गए हैं। बिल्कुल, देखिए, भारत जनमत का देश है, एक बड़ा समूह किसी चीज़ का विरोध करता है तो वो उसका सरासर उसका नष्ट होना तय है, और एक साथ समूह किसी भी चीज़ का विरोध करती है तो उसका स्वाभाविक उसका पलायन तय हो जाता है। आप आज की ही बात नहीं, आप इंदिरा गांधी के समय भी देखिए, जेपी आंदोलन हुआ, वो प्रधानमंत्री थे, उनको अपना गद्दी छोड़ना पड़ेगा। तो ये तो एसडीएम और ये तो छोटे छोटे और ये निजी बात है, ये सब चलते ही रहता है। तो अभी जो अपनी पत्नी को पढ़ने से वंचित कर रहे हैं, उन पतियों को क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं बिल्कुल उन लोगों को, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि जब आप अपनी पत्नी को अपने बराबर का अहदा देते हैं तो उनका अधिकार है, अगर वो पढ़ना चाहती हैं और तो उनमें पढ़ाइए, उनमें क्षमता है तो उनको जरूर पढ़ाइए। ये मेरे, लेकिन अभी डर बना हुआ है ना पति में, कहीं ज्योति मौर्या जैसे नहीं निकल जाएगी अपने, उससे अपने स्टेटस से ज़्यादा हो जाएंगे उनके बाद। मैंने आपको बताया कि भारत अभी ताव का देश है, बहुत बड़ा देश है, ठीक है, अगर आप में क्षमता नहीं है कि जैसे अपन, आप, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, अब मैं गाड़ी ड्राइव करता हूँ, मुझे विश्वास है कि मैं गाड़ी चलाने जानता हूँ, मैं अच्छा ड्राइव कर सकता हूँ, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। मेरी गाड़ी एक्सीडेंट करेगी ये मेरे हाथ पे नहीं है। संबंध और शादीशुदा लाइफ बहुत अलग चीज़ है, और जो लोग इसको ट्रोल कर रहे हैं, मैं उन लोगों का एकदम, मैं उनके खिलाफ़ हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो लोग समझें बातों को, अपनी अपनी पत्नियों को पढ़ाएं, उनका अधिकार है, और इस
मानव जीवन में एक बार जीवन मिलता है, और मैं किसी टाइम में मैं इस दर्द को मैं झेल चुका हूँ। मैं भी नौकरी के लिए बहुत प्रयास किया, मुझे नौकरी नहीं मिली, और आज मैं समाज सेवा और राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि भाई जो लोग सक्षम हैं उनको पढ़ाइए, वो महिला हो पुरुष हो, उसमें भेद करना यह सरासर गलत है। तो मतलब आपके अनुसार आलोक मौर्य को इंसाफ किस हिसाब से मिलेगा? देखिए, आलोक मौर्य की रही बात तो मैं आलोक मौर्य जी का उनके प्रति मेरा ना सद्भावना है ना किसी प्रकार का, मैं उनके प्रति उनके उनका घटना के ऊपर मैं दुख व्यक्त करना चाहता हूँ। एक पुरुष है, एक पुरुष सक्षम होता है किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए, अगर उनमें अगर काबिलियत है तो वो अचीव कर ले। और रही बात महिलाएं की, तो भाई आप उनसे जुड़, महिला आपसे जुड़ी है भाई, आपसे वो अपनी सफलता को पाई है, वो आपकी कर्जदार रहेगी, स्वाभाविक है। आप भी, मैं उनको आग्रह करता हूँ कि वो तैयारी करें और वो भी सिविल सर्विस क्रैक करें। और हमारे क्षेत्र में एक केस था एक साल पहले लगभग, एक नर्स बन गई है, दूसरे साथ अफेयर था, वो कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई थी, ऐसे सुने होंगे? हाँ, ये बिल्कुल सुना है। ये कुनकुरी जैसे केस थी ना, ये कुनकुरी की घटना थी। ये दिन के 11 बजे तकरीबन ऑन रोड में हत्या कर दिया कुल्हाड़ी मारकर। ये देखिए, ये ट्रेंगल, जहाँ भी लव एफेयर में ट्रेंगल आएगी वहाँ कुछ ना कुछ बड़ी घटना होती है। इसलिए मैं इन लोगों को मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि अपने चुनाव पर विश्वास कीजिए, अपने आपने जिसे चुना है अपने लिए उस पर विश्वास कीजिए, उनके परिवार पर विश्वास कीजिए, बस इतनी कहूँगा जी। तो ये थे राजा सोनी जी, जो हमारे क्षेत्र के सामाजिक मुद्दे पे और राजनीतिक मुद्दे पे और जहाँ पे अन्याय हो रहा है वहाँ पे आवाज़ उठाते रहते हैं। तो राजा सोनी के साथ हमारा चर्चा कैसे लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भैया, इन दिनों सोशल मीडिया में चल रहा है ज्योति मौर्या और आलोक मौर्या का केस, आपने देखा होगा, तो इसमें आपका क्या मत है, बताएंगे आप? मेरा मत यह है कि इस तरह से महिलाओं को अपने पति के प्रति इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस पति ने दिन रात एक करके एक सफाई कर्मी होते हुए अपना पत्नी को एक पीसीएस अधिकारी बनाया, और पीसीएस अधिकारी बनने के बाद उसका उस महिला ने उस तरह से कार्य किया जो कि समाज में गलत संदेश जा रहा है। भैया, ज्योति मौर्या के न्यूज़ से बहुत सारे पति लोग अपने पत्नी को पढ़ाई से वंचित कर दे रहे हैं, इस संबंध में आपका क्या मत है? मेरा मत तो ये है कि इस तरह से पत्नियों को नहीं करना चाहिए, और पति लोग को भी अपना पत्नी को नहीं बुलाना चाहिए। सभी पति भी इस तरह से नहीं होते और सब पत्नियां भी इस तरह से नहीं होते हैं। लेकिन ज्योति मौर्या से की स्टोरी से सब लोग डरे हुए हैं ये न्यूज़ से, और वापस बुला ले रहे हैं सब अपनी पत्नियों को, बहुत सारे लोग। अब इस तरह से इस तरह का केस होगा तो सभी को डरना स्वाभाविक बात है। हर कोई डरेगा कि हम पढ़ा लिखा के अपने पत्नी को इस जगह इस मुकाम पे पहुंचाते हैं, आप पत्नी इस तरह से कार्य करेगा तो सभी को डरेगा और गलत संदेश जाएगा इससे तो समाज में कि हम अपना पत्नी को क्यों पढ़ाएं। भाभी, इन दिनों चल रहा है सोशल मीडिया में आलोक मौर्या और ज्योति मौर्या का केस, आपने भी सुना होगा, तो इसमें आपका क्या मत है? मेरा मत यही है कि एक सफाई कर्मी रहते हुए अपना पत्नी को एसडीएम बनाया पढ़ा लिखा के, कहाँ से पैसा लाया कैसे लाया वो भी जानता है, और इतना बड़ा पद में जा करके किसी और के चलते अपने पति को छोड़ देना चाहती, ये दरअसल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक के चलते सब पति अपने पत्नी को गलत नज़र से देखेगा। इस खबर से पूरा हिंदुस्तान के पति लोग पूरा डरे हुए हैं और अपनी पत्नी को पढ़ाई से वंचित करना चाह रहे हैं, बहुत ये खबर भी चल रहा है अभी, तो इसमें क्या मत है आपका? हर पत्नी ऐसा नहीं होती है, क्योंकि अगर ऐसा देखा जाएगा तो कोई अपना पति अपनी पत्नी को नहीं पढ़ाएगा, इस नज़र से देखना गलत है। वो गलत की तो हर औरत गलत नहीं करेगी।